नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर राज्य में बड़ी उथल पुथल चल रही है। शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि झंडा नया है लेकिन मैदान पुराना है। और वहीं देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 23,285 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 117 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में साल 2021-22 के लिए कुल 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। दिल्ली में कोविड-19 का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। राजधानी में कोरोना के 409 नए मामले सामने आए हैं, जो 9 जनवरी के बाद दर्ज हुए मामलों में अब तक सबसे अधिक बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद सियासत तेज होती गई है। मुख्यमंत्री ममता को चोट लगने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान की जक्सा एक साथ मिलकर साल 2024 में अंतरिक्ष यान भेजेगी। इसके लिए दोनों देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं। नई दिल्ली में सेना से छुट्टी लेकर आए स्क्वाड्रन लीडर का बैग चोरों ने पार कर दिया है। बैग में करीब 1 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दक्षिण जिले की साइबर सेल ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के अकाउंट को हैक करके उन्हें ब्लैकमेल और उनसे उगाही करता था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 4 करोड़ की ठगी में एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लोगों को रियल एस्टेट में निवेश करने पर रुपए दोगुना करने का झांसा देता था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात 2 गुटों में झड़प हो गई और इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। बदमाशों की तलाश की जा रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक यात्री को 20 कारतूसों के साथ दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में 100 रुपये नहीं देने पर 3 युवकों ने एक शख्स को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती किया, जांच की जा रही है। भीख मांगने के बहाने लूटपाट करने वाले गैंग की 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इन 4ों ने कार में बैठी बुजुर्ग महिला को जान से मारने की धमकी देकर लूट की थी। और वहीं ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करने और ठगी करने वाले एक डिजिटल चैनल के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसके साथी वकील से 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। जबलपुर में एक साले ने अपने ही जीजा की जान ले ली। इस घटना की जानकारी लगते ही उसकी बहन ने भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने आरोपी साले को जेल भेज दिया। और वहीं वाराणसी में एक पुलिसकर्मी सड़क पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली महिला का हाथ अपने जूते से दबा रहा था। इस घटना का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स की जान चली गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जाँच शुरू की। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लाखों की ठगी को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ठग से पूछताछ कर रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित रेणुका भवन में 3री मंजिल पर चल रहे अवैध हुक्का बार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में नूह जिले के एक ट्रांसपोर्टर दिल्ली के बदरपुर इलाके से पूरे एटीएम उखाड़ कर ले गया, क्योंकि उसे फाइनेंस कंपनी को ट्रकों की किस्त अदा करनी थी। पुलिस जाँच कर रही है। लखनऊ में विशाल सैनी सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आया है। विशाल सैनी के परिजन थाने में एफआईआर लिखवाने पहुंचे थे। परिजनों ने आईपीएस प्राची सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और जांच की मांग की। बॉलीवुड में रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली के बाद अब मनोज वाजपेयी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वाजपेयी ने खुद को घर पर क्वारंटीन किया। बॉलीवुड के सलमान खान तो हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान चर्चा में आ गए हैं, और वो भी ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभिनेता विक्की कौशल अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। विक्की कौशल ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसमें वो घोड़े पर खड़े होकर हेलमेट और बूट में पोज देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल कर दिया। रणबीर कपूर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, इसी के चलते आलिया भट्ट पिछले कुछ दिनों से क्वारंटीन में थी, जिसके बाद आलिया ने एक तस्वीर भी साझा की। फिलहाल 5 मिनट में 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।